बहुत बड़ी मेहनत लगती है पेड़ बनाने में, 10-20 साल पुत्र की तरह पालते हैं आदमी पेड़ों को, फलदार वृक्ष से। ये तो है ही है, जो चीज जा रही है आपकी उसका अवार्ड करेंगे हम लोग, अवार्ड में अवार्ड के टाइम पे वो चीज आ जाएगी। आप एक इनकम सोर्स 100-200 साल से हमारे पूर्व बेचारे एक अवार्ड के टाइम पे हो जाएगा कुर्ते में वो जमीन एक खरीदी बचाई हो, अब वो सबसे उसको लिखवा लो, जो बाग वाला लिखवा लो अवार्ड के टाइम पे होगा उसका। एक प्रपोजल आप स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं जी कि जो भूमिहीन हो जाएगा बिल्कुल उनके लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था सरकार नौकरी में की जाएगी, जो भी बिल्कुल लिया है ना के बराबर रह जाएगी आरक्षण, तो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर जमीन दे रहे हैं तो 100 किलोमीटर के रेडियस में है, 50 किलोमीटर के रेडियस में बिजनौर कहाँ दे रहे हैं, तो पास में इसी के पास लेंगे बिजनौर और इसके पास लेंगे, इसके पास बैठा है जो ये बता सकता है कि इस प्रोजेक्ट के एक्सप्रेस वे के बनने से उसकी पूरी की पूरी जमीन चली जा रही भूमिहीन है, कोई है आपके नॉलेज में है तो बता दें? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ना के बराबर ही बचा, ना के बराबर है जी है, मतलब किसी की 80-90% जा रही तो फिर क्या बचा? नहीं उसमें इस तरह के भी हैं जिनको पट्टे अलॉट हुए हैं या इस तरह के, उनके सारे जा रहे हैं वरना है नहीं कोई, छोटे छोटे नंबरों वाले हैं जिनके छोटे नंबर हैं वो यहाँ पर क्लियर हो गया, बड़े किसान गोविंदपुर बताए गोविंदपुर से आए खड़ी के लोग बताए कुछ आपके यहाँ क्या नाम आपका? प्रमोद कुमार चक्रोड़ जा रहे हैं दो, बस ये है सर जैसे कि चक्रोड़ मतलब हम लोगों के जैसे कुछ जमीन चली गई, कुछ हमारी रोड के कुछ साइड बच्चे छतरी वाली साइड के, तो वहाँ जाने के लिए तो सुविधा थी जो रास्ता होना चाहिए वहाँ के लिए। हर एक आदमी अपने अपने खेत पे बोल रहे वो हम पहले ही प्रपोज करते हैं, हम फिर भी सर ये आप लोगों ने मेरिट्स भी बताइए इस प्रोजेक्ट के लाभ क्या हैं, आपका नाम वाम लिखवा दो। विनोद कुमार आपका नाम? प्रमोद कुमार, प्रमोद कुमार। हाँ बोलो कुछ डिमांड रखो, डिमांड मैम तो ये ऐसा कि मतलब उधर जाने के लिए लास्टिक सुविधा तो जी हमारे गांव में तो सभी ने बैनर में सभी के हो गए, आपके गांव में प्रीतम प्रीतम जी प्रीतम कड़कड़ी में कितना बचा हुआ? कड़कड़ी में सर दो बैनर में है सर, एक तो यही गई है तीनों का, बदौली गई है, बदौली गई है हमारे गांव में पूरा इनके यहां के साथ। अच्छा सर एक दो बंदे की प्रॉब्लम है सर, उनके बैनर में हो चुके हैं, बैनर में उनके पैसे अभी तक नहीं मिले, 4-4 महीने हो गए वो सर, वो लास्ट वाले बैनर में वो धनराज के बारे में मैं आपको बता दें जी सर, इधर कुछ दो चार दिनों से सब अधिकारी व्यस्त रहेंगे लेकिन वो फाइल बिल्कुल साइन पर पड़ी हुई है, वो आज भी हो सकती है कल भी हो सकती है, जैसे आएगा पूरा मतलब पूरा पर्याप्त पैसा ऐसा नहीं है, पैसा आएगा और तुरंत मिल जाएगा, तो आप एक महीना दो महीना नहीं लगेगा जी सर, बहुत आपको लगेगा मैक्सिमम तो 7-10 दिन तक में आपको कुछ नहीं। हम लोग ने अभी तक लगभग 400 करोड़ का पेमेंट कर चुके हैं, 15 करोड़ का पेमेंट हमारा जरूर बच रहा है मान रहे हैं, वो भी हम 7-10 दिन के अंदर जैसा सर ने बताया वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, उसकी कोई समस्या नहीं है, साइन नहीं हो पाया, फाइल रेडी है, ये पूरे प्रशासन को भी पता है, जितने शहरों से जमीन जा रही है सभी प्रशासनों को पता है, यहाँ पर साइन हो जाएगा, इन सबको पैसे मिल जाएंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात पैसे की कोई प्रॉब्लम, हम खुद ही 400 करोड़ तो कर ही चुके हैं पेमेंट आप लोगों को, 15 करोड़ का बच रहा है हमारे ऊपर, जमीन बेचने के बाद अभी खेती तो आप कर रहे हैं, हमने रोका नहीं है, पहले बेच दिया पैसा पा गए, थोड़ा सा ये आइडिया
जैसे कि मैंने काम अभी शुरू किया, 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। नहीं सर, उसके लिए काम स्टार्ट के बाद रहेगा अगली फसल बोने के लिए, कि कभी फिर वो खड़ी जुट जाए या अभी आपको रोका नहीं गया है। नहीं जैसे आइडिया होगा कि भाई महीने जब हमें रोकना होगा, फसल आना होगा और देखा कि हमें रोकना है, तो मैं आपको पकड़ कर दूंगा, आप फसल नहीं होगी। आप ऐसी फसल बोलो ना जो जल्दी कट जाती है। बस यही है सरसों। तो मुख्य रूप से आप ये बताएं कि जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है जी सर, ये इस क्षेत्र के विकास के लिए सही है कि नहीं।